हमारे सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की। हम आपको बताएंगे किस गवर्नर जनरल के काल में हुई इसकी स्थापना, क्यों हुई इसकी स्थापना और एग्जामिनर एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें सन 1800 में लॉर्ड वेलजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज में अंग्रेजी, हिंदुस्तानी कोश, हिंदुस्तानी व्याकरण तथा कुछ अन्य पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में, किस गवर्नर जनरल ने की थी, लॉर्ड वेलजली ने की थी और असैनिक अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए की गई थी, जिससे कि उन्हें भारतीय भाषाओं के बारे में पता चले और वो अच्छे से कार्य कर सकें। इससे रिलेटेड लास्ट टाइम 2020 में यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आ चुका है फोर्ट विलियम कॉलेज की। हम आपको फिर से बता दें फोर्ट विलियम कॉलेज के 1800 में स्थापना हुई थी, लॉर्ड वेलजली गवर्नर जनरल थे, उन्होंने की थी और ये असैनिक अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। थैंक यू।